शाहरुख सलमान आमिर योर फेवरेट खान? एज एन एक्टर आई प्रेफर सलमान, बट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर आमिर। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जिस बॉलीवुड को भारत की पहचान माना जाता था, आज वही बॉलीवुड भारत की फिल्म इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से गौतम अडानी की कमाई दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है, उसी तरह से साउथ इंडियन फिल्में भी बॉलीवुड को दिन ब दिन पीछे धकेलती जा रही हैं। और हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड तीसरे नंबर से भी नीचे चला जाएगा। शायद यकीन नहीं करेंगे कि इस वक्त भारत की फिल्म इंडस्ट्री में नंबर वन पर है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम टॉलीवुड के नाम से जानते हैं, और दूसरे नंबर पर है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम सैंडलवुड इंडस्ट्री नाम से भी जानते हैं। अब वक्त ऐसा आ गया है जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग बॉलीवुड की नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्मों का इंतजार करते हैं। आप में से भी अधिकतर लोग तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल फिल्मों की जगह सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो है साउथ इंडियन फिल्म। जब आप उत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ कुछ लोग तो सीधे बोलते हैं मद्रासी फिल्म। और आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि मद्रासी फिल्म या फिर कहें तो साउथ इंडियन फिल्म कितने भागों में बटी हुई है, और इतने भागों में बटे होने के बाद भी कैसे साउथ इंडियन फिल्में बॉलीवुड को लगातार नीचे धकेल रही हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमारा सीधा कंपैरिजन है बॉलीवुड बनाम साउथ इंडियन फिल्म, तो क्यों ना हम सबसे पहले बॉलीवुड पर चर्चा कर लें। वैसे तो बॉलीवुड में आज के वक्त चर्चा करने लायक कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि आज से 10-15 साल पहले ऐसा वक्त था जब बॉलीवुड की तुलना हॉलीवुड से की जाती थी, और कुछ महानुभाव ऐसे थे जो कहते थे कि आने वाले वक्त में भारत का बॉलीवुड हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन बॉलीवुड वालों को पैसों की ऐसी गर्मी लगी कि उन्हें ठंडा करने की जिम्मेदारी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने ले ली, जिसके बाद से दिन ब दिन बॉलीवुड ठंडा होता जा रहा है और साउथ इंडियन फिल्मों की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। और आज हालात ऐसे हैं कि भारत के बाहर भी लोग राजा मौली, प्रभास, अल्लू अर्जुन और NTR की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे भारत की साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री कितने भाग में बटी हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे भारत में अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो ये लिस्ट 10 से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आज हम बात करेंगे साउथ की तीन सबसे खास फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। नंबर एक, टॉलीवुड। दोस्तों, साधारण सी भाषा में कहें तो टॉलीवुड को आप तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, यानी कि तेलुगु भाषा में जितनी भी फिल्में बनती हैं वो सभी टॉलीवुड के अंदर ही आती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2015 में पूरे भारत में छाने वाली फिल्म बाहुबली और 2017 में बाहुबली द कॉन्क्लूजन, साल 2019 में प्रभास की फिल्म साहो और साल 2022 में SS राजामौली की फिल्म RRR, ये सभी फिल्में तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर ही बनी हुई हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेलुगु इंडस्ट्री का पावर बॉलीवुड के सामने कितना ज्यादा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत लगभग साल 1921 में हुई थी, और उस वक्त तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ करता था। लेकिन साल 1996 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर चेन्नई से शिफ्ट करके हैदराबाद भेज दिया गया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री यानी कि टॉलीवुड के अगर 5 सबसे फेमस एक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं महेश बाबू, दूसरे नंबर पर आते हैं बाहुबली से जाने पहचाने जाने वाले प्रभास, तीसरे नंबर पर आते हैं पुष्पा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, चौथे नंबर पर आते हैं RRR के जूनियर NTR, और पांचवे नंबर पर आते हैं पवन कल्याण। नंबर दो, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पर आती है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम सैंडलवुड के नाम से भी जानते हैं। दरअसल जो भी फिल्में कन्नड़ भाषा में बनाई जाती हैं वो सभी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत ही आती है। आसान भाषा में कहें तो हाल ही में जो आपने KGF फिल्म देखी कहीं और की नहीं बल्कि इसी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से बनकर आई थी, जिसमें रिलीज होने के पहले दिन ही पूरे भारतीय सिनेमा का एक नया इतिहास बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड में रिलीज होने वाली फिल्में पूरे महीने में जितनी कमाई करती हैं, KGF चैप्टर 2 ने एक ही दिन में कर ली लगभग 140 करोड़ रुपए की कमाई। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन ब दिन साउथ इंडियन फिल्में कैसे बॉलीवुड को ओवरटेक कर रही हैं। सैंडलवुड की पहली फिल्म साल 1934 में रिलीज हुई थी। उस वक्त तो इस इंडस्ट्री में बनने वाली फिल्में सिर्फ वही लोग देखते थे जिन्हें कन्नड़ भाषा का ज्ञान होता था, लेकिन अब कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में बनने वाली मूवीज को हिंदी और इंग्लिश जैसी भाषाओं में भी डब करके वर्ल्ड वाइज रिलीज किया जा रहा है। अगर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के 5 सबसे बेहतरीन अभिनेता और अभिनेत्री की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं फिल्म KGF से पूरी दुनिया भर में छाने वाले यश, दूसरे नंबर पर आते हैं किच्चा सुदीप, तीसरे नंबर पर आते हैं दर्शन,
चौथे नंबर पर आते हैं उपेंद्र और पांचवे नंबर पर आते हैं पुनीत राजकुमार। अगला नंबर आता है तमिल फिल्म इंडस्ट्री कॉलीवुड का। जी हाँ दोस्तों, टॉलीवुड और सैंडलवुड के बाद बारी आती है कॉलीवुड की, यानी कि जो भी फिल्में तमिल भाषा में बनाई जाती हैं, उन सभी फिल्मों को कॉलीवुड के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो साल 2016 में आई फिल्म कबाली, जिसमें साउथ इंडियन इंडस्ट्री के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत हीरो के रूप में थे, इस फिल्म को कॉलीवुड के जरिए ही रिलीज किया गया था, जिसने पूरे भारत भर में 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी। अगर कॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं रजनीकांत, दूसरे नंबर पर आते हैं विजय, तीसरे नंबर पर आते हैं सूर्या, चौथे नंबर पर आते हैं कमल हसन, पांचवे नंबर पर आते हैं अजीत कुमार और धनुष। वैसे तो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में बनने वाली फिल्में साउथ इंडिया में धमाल मचाती ही हैं, लेकिन इस वक्त तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज हुई बहुत कम ही फिल्में ऐसी हैं जिसने साउथ इंडिया के बाहर नॉर्थ इंडिया साइड कुछ कमाल किया हो। लेकिन जिस तरह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री हिंदी बोलने वाले लोगों के बीच भी फेमस हो रही है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि जल्द ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री भी बॉलीवुड को टक्कर देते हुए कोई तगड़ी फिल्म जरूर लेकर आएगी। दोस्तों, इस वक्त तमिल फिल्म इंडस्ट्री, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, अगर इन सभी को कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, यानी कि टॉलीवुड। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों में अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों को देखा जाए तो इसमें अधिकतर फिल्में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की ही मौजूद हैं। जिसका सबसे पहला नंबर आता है वो है बाहुबली कॉन्क्लूजन और दूसरे नंबर पर आता है RRR। वहीं हमारे भारत में इस वक्त के परफॉर्मेंस को देखते हुए कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री यानी कि सैंडलवुड को दूसरे नंबर पर रखा गया है। और अगर पूरे भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात करें तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की KGF चैप्टर 2 छठे नंबर पर आती है और साल 2022 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। जिसके बाद तीसरे नंबर पर आता है बॉलीवुड, जो लगातार साउथ इंडियन फिल्मों की रीमेक को बनाकर कैसे भी इस लिस्ट में बना हुआ है। अगर बॉलीवुड के लोगों को साउथ इंडियन फिल्मों का रीमेक बनाने से मना कर दिया जाए तो शायद बॉलीवुड वाले इस लिस्ट में ही नहीं रहेंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा हमारे भारत में और भी फिल्म इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, जैसे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड कहा जाता है, ठीक उसी तरह से उड़िया फिल्म इंडस्ट्री, असामी फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री और ऐसी कई तमाम इंडस्ट्रीज। लेकिन इस वक्त पूरे भारत में जो बॉलीवुड को टक्कर देने वाली इंडस्ट्री है वो सभी दक्षिण भारत में ही मौजूद है। लेकिन एक बात तो साफ है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने अपने परफॉर्मेंस के दम पर एक बात तो सबको बता दी कि हॉलीवुड को टक्कर देने के लिए मैदान में सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टॉलीवुड और सैंडलवुड भी मौजूद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड इस लिस्ट में और भी नीचे होता चला जाएगा या फिर बॉलीवुड एक बार फिर से कमबैक करते हुए इस लिस्ट में टॉप पर आएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।